गुड डे स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया था कि लाइट जो है वो वेव के अलावा पार्टिकल नेचर में भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो लाइट पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट करती है इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में कन्फर्म किसने किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये बताया गया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर में होती है। इसे किसने एक्सप्लेन किया सबसे पहले, सॉरी इसका डिस्कवर किसने किया, हेनरी हर्ट्ज़ ने। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। एक्सपेरिमेंट सबसे पहले परफॉर्म किसने किया, डिस्क्राइब किसने किया, हेनरी हर्ट्ज़ ने। तो हेनरी हर्ट्ज़ ने क्या किया, देखिए सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, तो ये कहा गया कि जब किसी मेटल सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है, जब किसी मेटल सरफेस पर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन चालू हो जाता है और इसी को क्या कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बताया गया कि जब किसी मेटल की सरफेस पर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम एमिट कराते हैं, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम एमिट करा रहे हैं तो वो क्या होता है, जैसे ही लाइट मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करेगी तुरंत इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू हो जाएगा और इसी को क्या कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये एनोड हो गया और ये हो गया कैथोड। ऐसे ही एक ट्यूब ले लिया, सीआरटी ले लिया, ठीक है, और क्या किया, यहाँ पर इसमें हमने बैटरी कनेक्ट कर दी और बैटरी के बाद इन्होंने क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। अब देखिए जैसे ही क्या किया, यहाँ से लाइट सोर्स से हमने लाइट को एमिट किया, लाइट सोर्स से लाइट को एमिट किया, तो लाइट जैसे ही कैथोड से मेटल के इलेक्ट्रोड से टकराई तुरंत इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन चालू हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन जब चालू हो गया तो उस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होने लग जाएंगे और जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होंगे इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होने लग जाएगी और इस इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे, एमीटर में डिफ्लेक्शन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से ये बताया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जब किसी मेटल की सरफेस पर हम किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट को एमिट कराते हैं तो उससे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन चालू हो जाता है और इसी को क्या कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हेनरी हर्ट्ज ने दो पैरामीटर को ध्यान रख करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन किया। तो पहला पैरामीटर था फ्रीक्वेंसी और दूसरा पैरामीटर था इंटेंसिटी। तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट, यानी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो कोई पर्टिकुलर कलर को शो करता है, तो कलर ऑफ लाइट से मतलब हो गया। और इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस, यानी अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो लाइट ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं। लो इंटेंसिटी मतलब लो ब्राइटनेस की लाइट और हायर इंटेंसिटी हायर ब्राइटनेस की लाइट। तो अगर आप देखिए क्या होता है कि अगर आप अपने इमेज क्रॉपिंग में या इमेज की एडिटिंग में, वीडियो एडिटिंग में जब क्या करते हैं, कलर को थोड़ा सा शार्प और कलर को थोड़ा सा लोअर करते हैं तो उस केस में हम क्या बढ़ा रहे होते हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा या घटा रहे होते हैं। और जब हम किसी भी वीडियो की या इमेज की ब्राइटनेस को घटा या बढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लाइट की इंटेंसिटी को घटा या बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही लाइट मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या है, जहाँ पर जब हमने यहाँ पर लाइट ली और लाइट एमिट कराया कैथोड पर तो उस केस में हमने देखा क्या कि लो फ्रीक्वेंसीज पर, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो थी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई हमने तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो गया। तो वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो गया उसे हमने क्या कहा गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी मेटल सरफेस पर लाइट के एमिट होने पर इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे जो भी वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की
ये हो गई। और उसके बाद जो भी हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से अपर वैल्यू जितनी भी लेते जाएंगे, तो क्या होगा, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड जो है, उनकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, हमें देखना है कि कैसे ये इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अफेक्ट करेगी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो आप देखिए, मोर इंटेंसिटी मोर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, लाइट जितनी ज़्यादा ब्राइट होगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन बात ध्यान रखने वाली क्या है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे ब्राइटनेस बढ़ाने पर। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी, जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी में रेज करेंगे, फ्रीक्वेंसी रेज करने पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो केवल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक बार हम फिर से देख लें, जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज ना होकर के केवल इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। क्लियर है? तो यहाँ तक कि आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेनेशन इसका किया, तो जरा आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया था इसके लिए। तो आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया, h nu = h nu naught + k। ये आइंस्टीन ने हमें एक इक्वेशन दी थी। तो आइंस्टीन पहले साइंटिस्ट थे जो इन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। और क्या हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था, आपको ये ध्यान रखना होगा। अब देखिए क्या होगा, आइंस्टीन ने बताया क्या, तो आइंस्टीन ने ये बताया कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ही ये पॉइंट लिया गया था, लेकिन प्लैंक्स ने उसे कहा था क्वांटम और इन्होंने क्या कहा, फोटोन का। और जैसे प्लैंक ने कहा था कि हर एक क्वांटम की एक एसोसिएटेड एनर्जी होती है एच न्यू, तो यहाँ पर इन्होंने भी कहा कि हर एक फोटोन की एक एसोसिएटेड एनर्जी होती है। यहाँ पर उन्होंने बस एक बात ये कही कि एक फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू है वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, ये बात उन्होंने एक्स्ट्रा कही। और अब देखिए उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो ये बताया गया कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही, जब मेटल पर लाइट इंसिडेंट होती है तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी पर ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू होता है, यह भी तो बताया गया। तो अब देखिए क्या हो गया, तो उससे अबव फ्रीक्वेंसी की लाइट की अगर हम फोटोन की एनर्जी निकालें तो उस केस में क्या होगा, ये बताया गया कि ये जो एच न्यू नॉट है इसको कहा गया वर्क फंक्शन। इसको क्या कहा गया, वर्क फंक्शन कहा गया। तो ये बताया गया कि जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो टोटल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी होगी, है ना, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन वो कितनी होगी। तो वो बताया कि एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन जो है वो क्या होगी, एच न्यू नॉट प्लस के ई। तो देखिए ये वर्क फंक्शन क्या था, तो पहली बात तो ये है कि हमने आपको बताया था कि हर एक फ्रीक्वेंसी पर लाइट एमिट नहीं हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे थे, यानी जब वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा हो रही थी तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो ये बताया गया कि वर्क फंक्शन क्या है, तो वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, ये बताया गया कि वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, यानी जब तक वर्क फंक्शन ही वही एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को स्टार्ट कर रहा है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन्स की एक बाइंडिंग एनर्जी थी जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं होने दे रही थी, तो उस बाइंडिंग एनर्जी को इजेक्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वर्क फंक्शन है। तो इतनी एनर्जी क्या होगी, वर्क फंक्शन होगी, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो सारी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। तो ये हो गया h nu naught + k। क्लियर है?
तो ये बताया गया कि जो भी स्ट्राइकिंग फोटोन है उसकी एनर्जी होती है वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो ये वर्क फंक्शन क्या है, वो मिनिमम एनर्जी है जो मेटल सरफेस से लाइट के स्ट्राइक करने पर इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन को स्टार्ट करेगी या इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करने के लिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स निकल पाए, ये उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। तो इस इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर कहीं पर आप इसको वर्क फंक्शन को W नॉट भी लिखा जाता है और इसको आप एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू क्लास।